आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। इसके लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और दूसरे चरण के लिए आपको बताएं कि 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 851 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 69 महिलाएं हैं। दूसरे दौर की वोटिंग के लिए 25,558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे अधिक 32 उम्मीदवार मेहसाणा सीट पर मैदान में हैं, और जबकि सबसे कम 2 उम्मीदवार जालौर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेहसाणा में डिप्टी सीएम नितिन पटेल की किस्मत दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर राधनपुर से मैदान में हैं। दलित नेता और बडगाम से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवाड़ी की किस्मत का भी आज फैसला होना है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज बहुत ही अहम दिन गुजरात की राजनीति के लिए। कुछ दिन पहले तक आप प्रचार का शोर सुन रहे थे। पहली तस्वीर में आप देखिए, दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 5 बजे तक शाम के वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 93 सीटों पर मतदान आज होना है, दूसरे चरण का मतदान है। और बहुत अहम बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज वोट बहुत अहम है, वो भी गुजरात पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी वोट डालेंगे, अरुण जेटली भी वोट डालेंगे, कांग्रेस के भी कई दिग्गज वोट डालेंगे, और निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवाड़ी जो अभी कांग्रेस में जुड़े हैं वो भी वोट डालेंगे। तो दूसरे चरण का मतदान आज होना है, 93 सीटों पर मतदान होगा। आपको बताएंगे 2012 में पिछली बार 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो वही जीत बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से ताकत झोंकी है बीजेपी ने प्रचार करने के दौरान। जबकि आपको बताएं कि कांग्रेस ने भी इस बार पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो मतदान होगा वो धुआंधार तरीके से होगा और कांग्रेस के पक्ष में होगा। वोट डाले जाएंगे सुबह 8 बजे से गुजरात में।